नमस्कार दोस्तों, 209 के टिम्बर चैप्टर में आपका स्वागत है। अब टिम्बर क्या होता है? आपका एक वुड ही होता है, लेकिन वो वुड किसके काम आ रहा है? आपके इंजीनियरिंग पर्पस के काम आ रहा है, तो मैंने इसको नाम दे दिया टिम्बर। ओके, अब टिम्बर आपके कितने प्रकार के होते हैं? टिम्बर आपके होते हैं दो प्रकार के, एग्जोजीनियस और एंडोजीनियस। एग्जोजीनियस ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जो आपके तने आउटवर्ड साइड के अंदर बढ़ते हैं, यानी जिनके तने थोड़े चौड़े होते हैं। ओके, जैसे आपका बरगद का पेड़ है, तो वो आपका क्या एक एग्जोजीनियस ट्री है। और एंडोजीनियस ट्रीज वो होते हैं जिनके तने इनवर्ड साइड के अंदर बढ़ते हैं। इनवर्ड साइड बोले जैसे आपके केले का पेड़ हुआ, उसके जो तना होता है वो थोड़ा आपका पतला होता है। ठीक है, तो ये तो आपका अंतर हो गया एग्जोजीनियस और एंडोजीनियस के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि इसका आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि टिम्बर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो टिम्बर का स्ट्रक्चर आपके अब इस टिम्बर के स्ट्रक्चर को याद रखने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक है आपके पीएच स्केल। पीएच स्केल, पी से आपके क्या हो जाएगा? पित्त, जो आपके आपके इनर मोस्ट पार्ट होता है और बहुत सारे सेलुलर टिश्यू से बने होते हैं, तो पी से तो आपका आ गया पित्त। ओके, एच से हो जाएगा आपके हार्टवुड। हार्टवुड आपके पित्त को कवर करता है। ठीक है, एस से होता है आपका शेपवुड। एस से होता है आपका शेपवुड। शेपवुड का काम होता है जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना पत्तियों तक और तने तक। ओके, सी से होता है आपका कैम्बियम लेयर। सी से होता है आपका कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर आपकी क्या करती है? नए नए जाइलम बनाती रहती है। जैसे जैसे आपका पेड़ ग्रोथ करता रहता है, वैसे वैसे नए नए जाइलम यानी शेपवुड को बनाती रहती है। ओके, और ए से होता है आपका एनुअल रिंग। ए से होता है आपका एनुअल रिंग। एनुअल रिंग आपको दर्शाता है कि जितने रिंग होगी पेड़ के अंदर वो उसकी एज बताता है। ठीक है, तो एनुअल रिंग का बेसिकली काम क्या होता है? आपका पेड़ की एज बताना। ओके, तो इसका एक अच्छा सा ट्रिक है ये पीएच स्केल, तो मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। पी से होता है आपका पित्त, इनर मोस्ट पार्ट। एच से होता है आपका हार्टवुड। एस से होता है आपका शेपवुड। सी से होता है आपका कैम्बियम लेयर। ए से होता है आपका एनुअल रिंग। एनुअल रिंग, ओके। पित्त आपका क्या होता है? इनर मोस्ट पार्ट होता है और बहुत सारे टिश्यूज से बना होता है। हार्डवुड आपके बहुत थिन लेयर होती है जो आपके पित्त के चारों तरफ लिपटी हुई रहती है। शेपवुड का काम होता है जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको और अपन कहते हैं जाइलम, और इसको अपन कहते हैं जाइलम। शेपवुड क्या करता है? आपके जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके पेड़ तक, पेड़ के पत्तियों तक और तन तक पहुँचाता है। कैम्बियम लेयर क्या करता है? आपके जैसे जैसे पेड़ की ग्रोथ होती रहती है, वैसे वैसे नए नए शेप बनाती रहती है। और एनुअल रिंग का काम होता है आपका जितने रिंग होंगे पेड़ के अंदर वो उसकी एज बताता है। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ आती है आपकी मेडुलरी रेस। आपकी एक और है इसके अंदर मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस सारे टिश्यूज को एक साथ बांध के रखता है। अगर मेडुलरी के रेस कट जाती है तो आपकी ट्री की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके, जैसे ये आपका पेड़ है, तो ये जो मेडुलरी रेज होती है, ये मेडुलरी रेज कहलाती है, ये आपके स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अगर ये कट गई बीच में तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और अंदर एक होता है आपका इनर बार्क और आपका होता है आउटर बार्क। आउटर बार्क, ओके दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ का
स्टैंडिंग ट्रीज कैसे कहते हैं, रफ ट्रीज कैसे कहते हैं, इसका कंजर्वेशन कैसा होता है, इसका प्रिजर्वेशन कैसा होता है, ओके, और इसमें क्या क्या डिके होते हैं, ओके दोस्त, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।